माननीय विधायक श्रीमती पूनम संकवार जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण, भारी संख्या में आज कन्नौज में यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज यहाँ पर हम लोग यहाँ के वरिष्ठ समाज सेवी, उद्योग व्यापार के साथ साथ राष्ट्रवादी मिशन के साथ जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, ऐसे स्वर्गीय ओम प्रकाश पाठक जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनकी पंचम पुण्यतिथि के अवसर पर एकत्र हुए हैं। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय ओम प्रकाश पाठक जी को उनकी सेवा के लिए, उनकी साधना के लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं श्री सुब्रत पाठक जी और श्री असीम अरुण जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी परिवार के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व विधायक और विधान परिषद के हमारे निवर्तमान सदस्य श्री बनवारी लाल दोहरे जी के मृत्यु के उपरांत उनके परिवार जनों के साथ संपर्क और संवाद बनाने और आज उनसे मेरी मुलाकात करवाने और वहां तक मुझे जाने का अवसर दिया है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय बनवारी लाल दोहरे जी को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज जब कन्नौज में आए हैं तो कन्नौज का तो अपना इतिहास रहा है। महाराजा हर्षवर्धन अपनी दान वीरता के लिए जाने जाते हैं और प्रयागराज कुंभ की जब हम बात करते हैं तो महाराजा हर्षवर्धन के बगैर वह सब अधूरा माना जाता है। एक कन्नौज की ही धरती है, मां गंगा की ही कृपा है कि हर्षवर्धन को भी राजा के रूप में स्थापित करने का सौभाग्य कन्नौज की धरती ने दिया और कन्नौज की धरती से उन्होंने देश के अंदर जिस शासन व्यवस्था की नींव रखी थी वह सैकड़ों हजारों वर्ष पहले राम राज्य की अवधारणा को पूरा करता है। आज मैं कन्नौज में आया हूं तो महाराजा हर्षवर्धन के समय से प्रारंभ उस राम राज्य की अवधारणा को आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए प्रभु श्री राम लला की मूर्ति की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इसके लिए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आपको भी बधाई देता हूं। और भाइयों बहनों, मैं आपका आह्वान करता हूं, अभी लोकसभा चुनाव को घोषणा होने में लगभग एक माह होगा, इस दौरान आप सुब्रत पाठक जी को, असीम अरुण जी को, अर्चना पांडे जी को, कैलाश राजपूत जी को और इन सभी पदाधिकारियों को पकड़ करके एक बार अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए जरूर आइए। कितने लोग अयोध्या जाना चाहते हैं? पूरा ही कन्नौज जाना चाहता है और हम आ रहे हैं आप सबका स्वागत करने के लिए। अयोध्या धाम में आपका स्वागत सरकार करेगी और मैं चाहूंगा कि उससे पहले अयोध्या धाम में प्रभु रामलला के आगमन के पहले यहाँ पर यहाँ के माननीय सांसद, माननीय विधायकों ने जो प्रयास किया है उसकी 300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज कन्नौज को प्राप्त हो रहा है, ये भी बधाई आप सबको दे दो।
भाइयों बहनों, जब योग्य जन प्रतिनिधि हम चुनते हैं वो आपके सुख दुख में सहभागी बनता है, शासन की योजनाओं को आप तक पहुंचाता है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज का प्रत्येक वर्ग अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करता है और प्रफुल्लित भी महसूस करता है। आज यही तो कारण है, अभी कुछ दिन पहले आपने मोदी गारंटी की गाड़ी देखी होगी, गांव गांव में जाती थी, शासन की योजना प्रचार प्रसार करती थी, सिचुएशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में क्या प्रयास प्रारंभ हुआ है इसको लगातार आगे बढ़ाने का कार्य भी करती थी, तो साथ साथ इसका भी प्रयास करती थी कि जो लोग बचे हैं उनके फॉर्म हाथों हाथ भरे जाएं। और देखिए, मोदी जी ने कहा था ना कि मोदी की गारंटी में भी गारंटी है। मकान के लिए लोगों ने आवेदन किया था, उन सबके मकान की व्यवस्था भारत सरकार ने अपने बजट में इस बार कर दी है। जो 3 फरवरी को भारत सरकार का बजट आया है, इस अंतरिम बजट में 2 करोड़ नए लोगों आवास उपलब्ध कराने की घोषणा भी कर दी है और 3 करोड़ ड्रोन दीदी का प्रशिक्षण देने के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। बहनों भाइयों, ये सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन सरकार जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुनती है तो उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। और अच्छा जनप्रतिनिधि चुना, अच्छा सांसद चुना, तो आपके लिए संसद में देश अंदर आपकी आवाज उठाते हैं। अच्छे विधायक आपने चुने तो इसमें आवाज उठाते हैं, योजनाओं को लेके आते हैं और उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाने के क्रम में आज आपको ये सब देखने को मिल रहा है। आप बताइए, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण लोग करने देते क्या अयोध्या में? ये हो पाया है, डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार न केवल डबल स्पीड के साथ चलती है बल्कि डबल इंजन सरकार आपकी आस्था का सम्मान भी करती है और आपको सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी देती है। भैया बहनों, इसी विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं, एक विश्वास जिसके लिए यहां पर संघर्ष किया था पुराने कार्यकर्ता स्वर्गीय प्रकाश पाठक, जिसके लिए अपने को बलिदान कर दिए, स्वर्गीय बनलाल दोहरे, जिसके लिए अपने आप अपना पूरा जीवन खपा दिए, ये कन्नौज के लिए से सुब्रत पाठक को अपने युवा साथियों के साथ जेल के अंदर रहना पड़ा था, प्रताड़ना सहनी पड़ी थी, लेकिन इसलिए जिससे कन्नौज के सम्मान और इसके स्वाभिमान को बढ़ा सके। आज इसी का परिणाम है, सरकार यहां पर इत्र पार्क के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि इत्र यहां पहचान है। और भाइयों बहनों, यहां के इत्र की सुगंध दुनिया तक पहुंचाने के लिए न केवल पार्क बनेगा बल्कि उसको हम आगे बढ़ाने के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी सरकार कन्नौज के उद्यमियों के साथ, कन्नौज के व्यापारियों के साथ हमेशा खड़ी होगी। भूमि की समस्या का समाधान हो, तकनीकी समस्या का समाधान हो, उसकी पैकेजिंग की समस्या का समाधान हो, या मार्केटिंग का या एक्सपोर्ट का, इन सब में सरकार अपने स्तर पर सहयोग करके इत्र के व्यापार को वैश्विक मंच प्रदान करने का कार्य कन्नौज के माध्यम से अवश्य करेगी। भैया बहनों, मैं जब भी यहां आता हूं एक बार और सुनने को मिलता है और मिलता था कि कन्नौज में यहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। समाजवादी पार्टी की सरकार को पता नहीं क्या चिढ़ थी इन महापुरुषों से। अयोध्या में भगवान
भगवान राम का विरोध करते थे तो कन्नौज में साहब भीमराव अंबेडकर का भी विरोध करते हैं। यानी उनको परिवार के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, अपने परिवार के बाहर सोच ही नहीं सकते। कुछ लोगों की आदत होती है वो जाति के नाम पे लेते हैं लेकिन काम केवल परिवार के लिए करते हैं, परिवार से बाहर नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, फिर से आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधियों की बाहें हैं, जो यहाँ पर भी कहा है, असीम जी ने भी कहा है, सुब्रत जी ने भी कहा है, हमारे अन्य मान्य विधायक गण भी इस बात को कह रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर फिर से मेडिकल कॉलेज का नामकरण होना चाहिए। और मैं आश्वस्त करने के लिए आया हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर फिर से जाना जाएगा कन्नौज का मेडिकल कॉलेज। और जो भी सुविधाएं यहाँ के लिए उपलब्ध करवानी हो और अत्याधुनिकताओं को इसके साथ जोड़ेंगे, कन्नौज को एक विशेष व्यवस्था के साथ जोड़ करके इस व्यवस्था को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपने देखा होगा यहां पर आज अपने स्वर्गीय पिता के की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए श्री सुब्रत पाठक जी ने यहां पर दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। 5000 से अधिक यहां पर कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के क्रम संपन्न हुए। बड़ी संख्या में उन लोगों को, जिन लोगों ने कभी भी इन सभी चीजों से अपने आप को कहीं ना कहीं वे लोग वंचित थे, लेकिन आज ये सुविधाएं यहां पर उपलब्ध होने का कार्य उनके द्वारा दिव्यांग जनों के लिए किया गया। दिव्यांगता हो सकता है उसके लिए तात्कालिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, लेकिन उसको अगर सरकार के द्वारा थोड़ी भी प्रोत्साहन दिया जाए तो वह बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। भाइयों बहनों, हम तो सब जानते हैं, अगर उपनिषदों में आप देखेंगे तो अनेक ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जहां पर शारीरिक दिव्यांगता को लोगों ने, उन ऋषियों ने नकारते हुए अपने दिव्य ज्ञान से पूरे समाज को आलोकित किया है। और मध्यकाल में ब्रजभूमि में सूरदास जैसे ऐसे यशस्वी कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं को समाज का मार्गदर्शन किया है। आज भी दुनिया के अंदर आप देखते होंगे या प्रदेश में भी आप देखते होंगे, चित्रकूट में जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने दिव्य चक्षु हैं, लेकिन जब एक कथा का वाचन करते हैं तो जिनके पास भौतिक चक्षु है वह भी उनके सामने फेल होते हुए दिख रहे हैं। भाइयों बहनों, दिव्यांगता को अभिशाप मानने की बजाय उनको संबल दे जाने की आवश्यकता है। संबल के साथ अगर हम खड़े होते हैं कार्यक्रम मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है। और ऐसे हजारों लोगों के लिए जीवन देना, डबलन सरकार की योजनाओं के साथ उन्हें जोड़ना, अगर किसी निराश्रित महिला को निराश्रित महिला पेंशन मिल जाती है, किसी निराश्रित बुजुर्ग को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल जाता है, अगर किसी दिव्यांगजन को दिव्यांगजन पेंशन के साथ हम जोड़ देते हैं, किसी कुष्ठ रोगी को कुष्ठ व कुष्ठावस्था पेंशन के साथ जोड़ देते हैं, किसी जरूरतमंद को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ देते हैं, योजना सरकार की है, माध्यम आप बन रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से पुणे के भागीदार भी आप बनेंगे, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को राह दिखाई कि इसके माध्यम से इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। और भाइयों बहनों, यही तो सरकार की मंशा है कि समाज जब जागरूक होगा जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। आज केंद्र और राज्य की सरकार
इसी दिशा में प्रयास कर रही है, इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। और ये योग्य पिता का योग्य पुत्र अपने उसी दायित्व का निर्वहन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। पिता की पांचवी पुण्यतिथि पुत्र के लिए भावुक क्षण भी है, लेकिन साथ साथ जन सेवा का एक व्रत है, एक संकल्प है, उस संकल्प को आगे बढ़ाने का एक अवसर भी है। और उन्होंने उस अवसर को हाथों हाथ लेकर के, क्योंकि पुत्र जो कुछ भी प्राप्त करता है माता पिता की साधना से, उनके पुरुषार्थ से उन्हें प्राप्त होता है, और माता पिता के द्वारा जो संकल्प लिया गया, जो परिश्रम किया गया, जो पुरुषार्थ किया गया, जो साधना की गई, उस साधना की परिणति होती है कि पुत्र को एक रास्ता दिखता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। और उसी प्रेरणा के पुंज के रूप में उन्होंने अपने पिता को केंद्र में रखकर के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज सार्थक होता हुआ दिखाई दिया। और उसी सार्थकता को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सबको यहाँ पर पांचवी पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय ओम प्रकाश पाठक जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भैया बहनों, यहाँ पर स्टेडियम की मांग भी की गई, और मैं तो चाहूंगा, हम तो हर जनपद में एक स्टेडियम देना चाहते हैं, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम देना चाहते हैं, हर गांव में खेल का मैदान देना चाहते हैं, हर ब्लॉक स्तर पर यूपी खेलो सेंटर की स्थापना और कोच की नियुक्ति करना चाहते हैं, जिससे प्रधानमंत्री जी के खेलो इंडिया खेलो के अभियान में अपने युवा खिलाड़ियों को हम खेल के प्रति जागरूक बना करके भारत को दुनिया के अंदर एक बार फिर से अपने युवा खिलाड़ियों के माध्यम से भारत की शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दुनिया के अंदर दिलवा सके, और उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, कन्नौज में भी ये व्यवस्था हम लोग लागू करेंगे, और मैं चाहूंगा जितनी जल्दी हो सके अपना प्रस्ताव भेजिए, सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी, कन्नौज के लिए भी सहयोग करेगी, अन्य जनपदों के लिए भी सहयोग करेगी। ऐसे ही अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कार्य हैं, सड़कों के हैं, पुलों के हैं, आईटीआई है, वर्ल्ड क्लास आईटीआई देना चाहते हैं हम लोग, आपको पॉलिटेक्निक बनाना चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए केंद्र स्थापित करना चाहते हैं, अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से अपने युवाओं को किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, वह फिजिकली भी और ऑनलाइन वर्चुअली भी, उस व्यवस्था के साथ जुड़ करके परीक्षाओं की, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकता है। और यह व्यवस्था आगे लागू होगी, लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे ही अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पर हर जनपद में एक एक विद्यालय हम लोग खोलने जा रहे हैं। पीएम श्री विद्यालय में मौजूदा विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के सामने सरकार कार्य कर रही है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में हम सब योगदान दे सकें। आज भाइयों बहनों, इसी क्रम में हमें यहां पर कन्नौज में मुझे आदि का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सभी कन्नौज वासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि डॉन इंजन की सरकार अपने इन जनप्रतिनिधियों के साथ इनके माध्यम से जो भी प्रस्ताव हमारे पास आएंगे, उन प्रस्तावों को हम आपकी सेवा के लिए समर्पित करके तत्काल उनके लिए अपनी सहमति देंगे, और विकास में आपके मार्ग में कोई रोड़ा नहीं अटक पाएगा। वेलफेयर स्कीम का बराबर लाभ बिना भेदभाव के हर तबके को प्राप्त हो पाएगा, और यही तो डबल इंजन की सरकार का कार्य है। मकान सबको, शौचालय सबको, राशन कार्ड सबको, आयुष्मान का कार्ड सबको, लेकिन योजना का लाभ तो सबको देंगे, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं करेंगे, किसी का नहीं करेंगे। मजबूती के साथ राष्ट्रवाद के इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ये विकास की योजनाएं हो,
आस्था का सम्मान हो या फिर विरासत को आगे बढ़ाने का क्रम, ये निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर जब स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश पाठक जी की 5वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में हमें यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है, स्वर्गीय ओम प्रकाश पाठक जी को, स्वर्गीय बनवारीलाल दोहरे जी को मैं एक बार फिर से एक नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी कन्नौज वासियों को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अभी से प्राणपण से जुटने का आह्वान करता हूं और अपने जुझारू सांसद को मजबूती के साथ उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने का भी आह्वान आपसे करता हूं। उन्होंने संघर्ष किया है, वे संघर्ष करेंगे, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। विकास की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, विकास और वेलफेयर स्कीम से कोई वंचित नहीं रह पाएगा, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और चुनाव के पहले अयोध्या में रामलला का दर्शन करने का आह्वान भी आप सबसे करता हूं कि अयोध्या में जरूर आइए, रामलला का दर्शन उससे पहले करके ऊर्जा से भर जाइए। आप सब मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।